खाड़ी में। नो हेलो रिया, या दिस इज इंस्पेक्टर टीटू फ्रॉम सफदरजंग थाना। इसके पिछवाड़े पे दो डंडे मार दिए, शाम को आप भी आ जाना। एक्सक्यूज मी, आप होली पार्टी करवा रहे हो ना? Hey. I said hey. I said hey. You said K. Hey. How you doing? Where you at? Oh, you Why got Why are plans. We rhyming? Okay, I don't know. Hey, so hey, what's up? Pause. Okay. You pat my shoulder because I'm singing for you Put to start singing. Yeah. So we're going to be reacting to K Vines, okay? Baby Kai? Baby Kai? They ask if I'm fine, but I'm not really fine. Baby Kai fine? Vines? Yeah. Okay, so let go. Okay, I'll take over. हाँ भैया, एक छोटा सा गार्डन ही चलेगा, 50-60 लोग ही तो हैं, साफ तो होगा ना? हाँ, और क्या, घास तो कटी होनी चाहिए। मैं मेरी बात करा। हेलो, हाँ जी, आप इवेंट करवाते हैं, टट्टी करवाते हैं, खेत में हगने थोड़ी ना बैठेंगे फाट लोग, नहीं तो घास तो काटनी पड़ेगी। होली पार्टी के लिए गार्डन मांग रहे हैं, अब कमर तक घास होगी तो घास फूतड़ में नहीं घुसेगी। बहुत टाइम हो गया होली खेले हुए। याद है जब छोटे थे तो एक रात पहले बाल्टी में इतने सारे गुब्बारे भर के रखते थे, फिर सुबह होती आने जाने वालों पे गुब्बारे मारते थे। मैच तू नहीं खेलता था गुब्बारों के साथ? एक सेकेंड, अभी 3 दिन पहले ही खेल रहा था। पर होली तो परसों है ना। ओ, होली के गुब्बारे नहीं, आप घास काटिए, हुतियां मत काटिए। मामा मांगे। मामा जी। भांजा पाटू। मामा जी। बे झाटू, नीचे तेरी स्कूटी खड़ी है। हाँ। आने जाने को जगह नहीं है, सीधी करके नहीं लगा सकता? नीचे मेरी तो बगल वाली दुकान की बस खड़ी है। फिर नीचे किसकी खड़ी है? मेरी है, मैं हटा क्या? ए बेटा, कोई बात नहीं, इंसानों से गलती हो जाती है। मैं क्या जानवर हूँ? मामा, आप बहुत सही टाइम पे आए हो। क्यों, किसको बच्चा करना है? अरे नहीं नहीं, ये हमारा भाई इस साल होली पार्टी करवा रहा है, बहुत छोटी सी। शाबाश शाबाश। परसों होली है ना, तो मैं 50-60 लोगों की गैदरिंग करवा रहा हूँ। डीजे और केटरिंग वाले से बात होनी बाकी है, लेकिन गार्डन बुक हो गया, उसकी घास कटनी बाकी है। पिचकारियां मैं ले आऊंगा, मैं टेंट वाले को बोलता हूँ। मामा क्या हुआ? तुम लोगों का देख के मुझे अपने पिताजी याद आ गए, फिर हम तो जिंदा है। वो कहते थे कि बेटा जो काम करो उसके अंदर डूब जाओ। नाना जी भी मेहनती थे, शराबी थे, पूरा दिन शराब में डूबे रहते थे। लेकिन मुझे अपने बचपन के होली के दिन याद आ गए। सारी पिचकारी, सारे गुब्बारे माताजी और पिताजी लेके आते थे। मुझे जल्दी सुला के पिताजी रात भर अपनी पिचकारी घिसते रहते थे। एक दिन पिचकारी लीक होने लगी तो माताजी ने पिताजी से बोला, लाओ मुझे घिसने दो, तुम गुब्बारे संभालो। पूरी रात माताजी ने मेरे पिताजी की पिचकारी घिसी और पिताजी गुब्बारे देखते रहे। टेंट वाले को फोन करियो जरा। हेलो, खुला आसमान टेंट्स, परसों होली आ रही ना, तो मैं 50-60 लोगों की गैदरिंग करवा रहा हूँ। मैचो क्या 8,000 का टेंट? भैया मनीष मल्होत्रा के लहंगे लटकाते हो क्या मैचो? ये कोई मार्केट रेट नहीं है, मैं एक और दुकानदार के सामने खड़ा हूँ, वो मुझे 2,000 रुपए में दे रहा है। झूठ नहीं बोल रहा, खुद बात कर लो। हेलो सोनू, वो टेंट बढ़िया से लगा दियो, मुंडे ने टकले के घर। हाँ जी भैया। हाँ जी बोलो। बड़ा सस्ता माल दे रहे हो। अरे भाई साहब, टेंट 2,000 में नहीं दे रहा, टेंट तो 500 रुपए का दे रहा हूँ, लेबर 1,500 की है। इतनी महंगी लेबर? लेबर इसलिए महंगी है क्योंकि उनके हाथ नहीं है। हाथ नहीं है? अरे क्या झूठ बोल रहे हो। पता कर लो मार्केट में शाहजहां टेंट वाले के बारे में, A1 काम है। लो भाई। हेलो, मैं आपको डिटेल्स व्हाट्सएप कर देता हूँ। ओके हाँ, ओके 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 ओके, 2500 में टेंट बुक हो गया। अब केटरिंग वाली को बोलता हूँ, उसका नंबर नहीं है। लेकिन अबे उसी दिन ऑनलाइन डिलीवरी मंगवा लेंगे ना। अरे बेटा कहाँ, इतना खुशी के मौके पर हाथापाई करते बैठोगे? तो इतनी सी बात है, गुल्लू कब काम आएगा? दिस मैन इज राहुल द्रविड़ और जुगाड़, डिपेंडेबल। हाँ गुल्लू, हैप्पी एनिवर्सरी। अरे थैंक यू थैंक यू। गुल्लू अंकल की एनिवर्सरी है? नो, कोरोना की। ठीक 1 साल पहले हमारे बिजनेस पे ताले और लौड़े दोनों लग गए थे। हाँ गुल्लू, वो भांजे का दोस्त नहीं है? अरे वो जो अपने हाथ से खुश रहता है। हाँ 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 वही। हाँ तो वो परसों होली के लिए कोई इवेंट करवा रहा है, तो उसके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करना था, तू बात कर ले एक बार। हाँ ये ले।
हाँ जी, वो परसों होली आ रही है ना, तो मैं 50-60 लोगों की गैदरिंग करवा रहा हूँ, तो डीजे और केटरिंग वाले से बात होनी बाकी है अभी। अब मामा यहाँ आ गए तो होपफुली ये मेरा पहला इवेंट है, सक्सेसफुल हो जाएगा और आने वाले कुछ टाइम में और इवेंट कराता रहूंगा मैच, है ना। झुरझुरी सी छूट रही है मामा, है ना। आप भी यहाँ होते तो बड़ा अच्छा लगता दिल को। हाँ, एक सेकेंड, मामा बात करना चाह रही। हाँ गुल्लू। हाँ यार, बहुत बोलता है चूतिया। हाँ जी, एक बीट रूट एंड ब्लैकबेरी क्योर सैलमन। दे देना, सब काट दे, एक पनीर भुर्जी रखते हैं। अरे इंग्लैंड की रानी नहीं होगी वहाँ, शर्मा और कनौजिया के बच्चे होंगे। तू एक भिंडी भी रख, क्या पिएगा? अब तो सरकार ने लीगल ड्रिंकिंग एज भी गिरा दी है। मैच बियर, एक फ्रूट बियर। तू माउंटेन ड्यू। ओके, सी यू। मामा जी, होली में थोड़ी तो शराब होनी चाहिए। बेटा भांग, भोसड़ा मत कर, ढंग से होली खेल ले। मामा जी, आपको कितना ज्ञान है। बेटा मैंने लाइफ में बस दो चीजें छोड़ी हैं, दूसरे नंबर पे ज्ञान है, अब बचता है एंटरटेनमेंट। किसको बुलाएं? तुम लोगों को डेविड गेटा पसंद है? डेविड गेटा को कौन नहीं जानता। नहीं, हाँ हाँ, राजा डेविड गेटा, उसका एक बहुत बड़ा फैन है डीजे मेहता, मेरे घर के बगल में रहता है। समा मानने का क्या मान देगा, ऐसे कैसे किसी को भी बुला ले। अरे तुमने उसका वो सुपर हिट गाना नहीं सुना? कौन सा? हनीमून पे ले गए जर्मनी, हनीमून पे ले गए जर्मनी, जर्मनी जर्मनी, हमारे सजना को पसंद मिशनरी। हमारे सजना को पसंद मिशनरी। अरे भैया, हमारे सजना को पसंद मिशनरी। हनीमून के लिए गए फिर स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। हनीमून के लिए गए फिर स्विट्जरलैंड। ओह ये, वहाँ भी काम आया खुद का हैंड। तो गाओ, वहाँ भी काम आया खुद का हैंड, वहाँ भी काम आया खुद का हैंड। ये कैसा गाना है मामा? अरे बेटा ये तो कुछ भी नहीं है, नया गाना निकाला उसने। वॉल्यूम, टीवी की वॉल्यूम कर दो बंद, टीवी की वॉल्यूम कर दो बंद, स्टंप के पीछे है ऋषभ पंत। समझ गया, इसी को बुला लेते हैं। लेकिन मामा जी, आपके पास हर बात का फल्यूफन कैफे है। जिंदगी में पीछे देखोगे तो अनुभव दिखेगा, आगे देखोगे तो आशा है। थ्रीसम की यही परिभाषा है। थ्रीसम क्या होता है? जीजा जी, थ्रीसम मतलब तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, सब एक दूसरे के भीतर। क्या ये? अरे यार, बॉम्बे जाना था मुझे अगले हफ्ते। क्यों, डिवाइन ले जा रहा अपनी माँ से मिलवाने? अरे नहीं, वो ऑफिस की कोई मीटिंग है, लेकिन अब जाना मुश्किल है वो कोरोना की वजह से। तो कोई बात नहीं पापा, इस बार साथ में होली मनाते ना। अरे हाँ, ये लोग पार्टी करवा रहे हमारे लिए छोटी सी 50-60 लोगों की। मामा जी। अच्छा बेटा, जीजा जी ये अकेला पार्टी करवा रहा है, ये दोनों मदद कर रहे हैं। अरे वाह। नहीं नहीं, पार्टी मैं करवा रहा हूँ, लेकिन आप सब लोगों के लिए नहीं। मतलब? रिया ने पिछले हफ्ते बोला था कि उसको अपनी फैमिली के साथ एक होली की धमाकेदार पार्टी करनी है। बैंच कौन? रिया, इसकी दोस्त, जो पिछले हफ्ते ही दोस्त बनी है। तो मैंने बोला मैं करा दूंगा। हम लोग इनवाइटेड हैं या ट्यूशन के दोस्तों की तरह? कोई इज्जत नहीं हमारी। अगर मैंने अरेंज करवा दी तो मैं जो रिया की नजरों में मैं हीरो बन जाऊंगा, और फिर उसके साथ मुझे कपल एंट्री करने का मौका मिलेगा। तू अपने भाई का घर बसता हुआ नहीं देखना चाहता? मैच रिया। हाँ रिया, सब अरेंजमेंट्स हो गए बंचूरदास? हाँ सब हो गया है ऑलमोस्ट। सुनो ना, विशाल मुझे कल से टेक्स्ट कर रहा है दैट ही इज सॉरी फॉर एवरीथिंग। विशाल कौन? तुम्हारा वो एक्स? तो मैं सोच रही हूँ उसी के साथ कपल एंट्री कर लूँ फाड़ी में। नो, हेलो रिया। हू इज दिस? या दिस इज इंस्पेक्टर टीटू फ्रॉम सफदरजंग थाना। इसके पिछवाड़े पे दो डंडे मार दिए, शाम को आप भी आ जाना। एक्सक्यूज मी, आप होली पार्टी करवा रहे हो ना? मैंने सुना, कितने लोग आ रहे हैं? 60 61। 61st कौन है? कोरोना देश में फिर फैल रहा है ना, अखबार पढ़ते हो या सिर्फ रील चल रहे आजकल? हेलो, सॉरी भाई, सॉरी मामा। बेटा मोहब्बत की वजह से जो यारों को ठुकराते हैं वो लैटरिन में फिसल के मरते हैं। तो अब क्या करना है होली पे? गुजिया खाएंगे और क्या। तुम लोग खा लो, मेरे तो पेट में गड़बड़ है। पेट में गड़बड़ हो तो सोडा लेने का, फूट में गड़बड़ हो तो लड़ा ले। क्या? Okay, what did we just watch? Stop. You know, I'm very confused, mostly because they were talking so fast I couldn't keep up. Yeah, talking was difficult and the rhythm was... But the fact that he could do all those... How long does that take? Like, those cuts. Because it's very smooth, but it's him doing everything. By himself. Yes. All day. By myself. That is crazy.
How many views did they have? 22 million. 22 million views. So, guys, we don't know a lot about BB Kai. Is that the right pronunciation? Let us know in the comment section. Don't kill us. Wow, but he's very good. He's very good. It is insanely fast that he speaks though. Like, man. Okay, and there they go. They're twinsies. Can we finish? Guys, if you like our reaction, make sure to like, comment, subscribe. Turn on post notifications to get notified whenever we post. Subscribe to join the family. Follow our social media displayed on the screen or the description box down below. If you like our reaction, make sure to check out other reactions on our channel. And without further ado, bye.